ब्रह्म ज्ञान से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य चांद्रायण व्रत करने से नहीं मिलता। आत्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है। चांद्रायण व्रत करना कितना कठिन है। चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है तो एक एक और भोजन बढ़ाते हैं। जैसे प्रथमा को एक कौर, द्वितीया को दूसरा, तृतीया को तीन, चतुर्थी को चार, पंचमी को पांच कौर, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी को उपवास, या भला चतुर्दशी पूर्णिमा, उसके बाद फिर धीरे 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 14, 15, 13, 12, 11, 10 उल्टा क्रम, उसको बोलते हैं चांद्रायण व्रत। बापू जी के सत्संग में यह बात आई, शास्त्रीय बात, जो जागत है सो पावत है, पुस्तक है आश्रम की, उसके 25वें पेज पे यह लिखा। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, स्टॉल पे मिलेगी। जो जागत है सो पावत है, बापू जी का पुस्तक का पेज नंबर 25, कि ब्रह्म ज्ञान से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य चांद्रायण व्रत करने से नहीं मिलता, और ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। और व्रत करने से और उपवास करने से भी और तीर्थ व्रत से भी वह पुण्य नहीं मिलता है जो ब्रह्मज्ञानी का दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है। कितनी ऊंची बात। इसलिए कहा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविद भवति। तो जब तक वो नहीं मिलते तब तक तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, दान करो, होम हवन करो, ये सारे जो कृत्य हैं करो, वो मिल जाए उसके बाद भी करो। लेकिन ब्रह्मवेत्ता के दर्शन और सत्संग का जब सौभाग्य मिले तो उनमें से समय निकाल के उनका दर्शन करो, सत्संग सुनो, तो बहुत लाभ होता और उनके दैवी कार्य में लग जाओ, क्योंकि हजार गुना यह फलदायी। ठीक कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जितात्मा क्या और अनात्मा क्या। अनात्मा मतलब शरीर में मैंपन, और शरीर के जितने संबंध हैं उनमें मेरापन, जिसको दृढ़ है वो अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। जो शरीर पहले था नहीं और अभी भी अपने कहने में नहीं, कभी बुखार, कभी सर्दी, खांसी, कभी ट्यूमर, कभी कैंसर, कभी कुछ हो जाता है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बुद्धि बदलती, शरीर बदलता, मन बदलता, तो बदलने वाली चीजों को मैं मानना अनात्मा है, और ये अपनी बर्बादी का कारण है। और जो जीतात्मा है, जिसने अपने आप को जान लिया, अजर अमर आत्मा, ऐसा पुरुष अपना भी हित करता है
और उसके द्वारा समाज का भी, देश का भी हित होता, दुनिया का भी हित होता। तो अपना मन जिससे राजी हो, ऐसी चीजें मिलने पर भीतर में शीतलता मालूम होना, यानी अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अच्छा लगना, और प्रतिकूल परिस्थिति मिलने पर भीतर संताप मालूम होना। मन को जिस वस्तु से नाराजगी हो, ऐसी वस्तु व्यक्ति मिलने पर भीतर संताप होना, ये होता है अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूल परिस्थिति, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी व्यवस्था मिलने पर मन को अच्छा लगता है, इसलिए शिविर में भी रहने को सब नहीं आएंगे, बोले ऐसी ठंड में कौन रहे, हम तो घर में रहेंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि पहले के राजा महाराजा राजपाट का त्याग करके गुरु के आश्रम में जाकर रहते थे। जिस शरीर को एक दिन जला देना है, उसको महलों में रखो तो क्या और झोपड़ी में रखो तो क्या, उनको 56 व्यंजन खिलाओ तो क्या और रूखा सूखा खिलाओ तो क्या, एक दिन तो जला देना है। जो पूरी कचौड़ी रसमलाई खाते हैं उनका शरीर भी तो एक दिन छूटता, जो रूखा सूखा खाते हैं उनको भी तो एक दिन मरना है। और अपने इच्छाओं की पूर्ति में आने वाले सुख दुख को सहन करते ही हैं, तो चलो दो चार दिन भगवान के नाम पे सुख दुख सहन करेंगे तो वो तो तपस्या हो जाती है। अरे क्या करें, टेंट में रहना पड़ेगा, फिर भी साधकों ने व्यवस्था कर दी है नीचे घास। मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा मेरे लिए तो कुटिया है बढ़िया, लेकिन लोगों का क्या हो? लेकिन मानव है ना, वो प्रतिकूल परिस्थिति देखता है, ये नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो दोष ढूंढना ये मानव की आदत है। गुण अपने देखता है, दोष दूसरों के देखता है। अगर दोष अपने देखे और गुण दूसरों के देखे तो आहा, कहना ही क्या, फलाना ऐसा है, बुरा जो देखन में गया, मुझसे बुरा ना कोई, वो ऐसा है। तो एक उंगली उठती है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा है। तो तू ऐसा है जो उंगली उठती है, तीन उंगली अपनी और उठती है कि वो जितना बुरा है उससे तीन गुनी बुराई अपने में भरी पड़ी है, इसलिए वो ऐसा। जयराम जी की। Thank you.